केजरीवाल जी बोल रहे थे राइट ऑफ कर रही है मोदी सरकार लोन, लोन्स को माफ कर रही है, लेकिन आपने तो 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए शराब कारोबारियों को। बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है सिसोदिया पर, इसीलिए कार्रवाई। आज ये इत्तेफाक नहीं है अमीश भाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सबसे प्रसिद्ध अखबार में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, शिक्षा क्रांति की बात होती है और अगले ही दिन मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होती है। सीबीआई, ईडी, ये सारी संस्थाएं अमीश भाई आज के समय भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। इन्होंने पहले भी हम पर कई बार सीबीआई छोड़ी है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई की रेड आज से 4 साल पहले भी हुई थी, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी पर 5 साल पहले सीबीआई की रेड हुई थी, क्या मिला? राजेंद्र कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव, उन पर रेड हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई, आज क्या मिला? 40 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों पे मुकदमे दर्ज करे गए, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी का खौफ है बढ़ती लोकप्रियता से, डरी हुई है भाजपा। पहले आप और मैं पूछा करते थे अमीश भाई कि मोदी बनाम कौन, आज उसका जवाब जनता को मिल गया, लोगों को मिल गया। आज लोग कहने लग गए हैं कि भारत की राजनीति अब है मोदी बनाम केजरीवाल।